इसके आप भी खेलना चाहते हैं पबजी मोबाइल लाइट अपने पीसी या लैपटॉप पे, पर आप खेल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ एरर आता है, लॉगिन फेल हो जाता है, या आप अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर नहीं पाते। तो बहुत सारे इशू आते हैं मेरे भाई लोगों को। एंड फाइनली ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो पबजी मोबाइल लाइट अपने पीसी या लैपटॉप पे के लो एंड पीसी वाले लोगों के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। आप अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो भाई आप इस गेम को अपने पीसी या लैपटॉप पे रन नहीं कर पाओगे या आपको एरर आ जाएगा। जितने भी नेसेसरी फाइल्स के लिंक है आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे एंड वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात दोस्तों कि अब अगर आपको ऐसा कुछ भी एरर आता है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे इंस्टाग्राम या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां पर हमें डीएम कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पबजी मोबाइल लाइट इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ फाइल्स की ज़रूरत पड़ेंगे एंड उन सभी फाइल्स का लिंक आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा। और भैया वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट से हम उस फोल्डर को ओपन करते हैं। क्या क्या नीड है? हमारा पबजी मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन का एपीके एंड हमें चाहिए मीमू इम्युलेटर एंड यहाँ पर हम एक्सप्रेस वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होना चाहिए तब जाके आप पबजी मोबाइल लाइट अपने पीसी या लैपटॉप पर खेल सकते हो। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलोगे कि भाई कि मीमू इम्युलेटर मेरे में लैग करता है, तो भाई आप एलडी प्लेयर या नॉक्स प्लेयर को में जा सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, बट मीमू वन ऑफ द बेस्ट इम्युलेटर है आपके लो एंड पीसी के लिए, ठीक है। तो सिंपली हम सबसे पहले मीमू इम्युलेटर को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इस इम्युलेटर का साइज आपको 400 MB पड़ेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्विक इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड ये आपका ऑलमोस्ट थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा मीमू इम्युलेटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली हमें लॉन्च पे क्लिक करना है। ओके, तो फर्स्ट टाइम आपको इम्युलेटर को लॉन्च करना है एंड सिंपली अभी यहाँ से हम कट कर देते हैं, ठीक है। आपको अभी इम्युलेटर को कट कर देना है। अब यहाँ पर आपके डेस्कटॉप में मल्टी मीमू करके ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको इसमें डबल टैप करना है। बस आपको इंटरफेस देखेगा, सबसे पहले आपको इस वाले को डिलीट करना है यहाँ से। ओके, अब हमें एक नया इम्युलेटर को क्रिएट करेंगे। तो आपको न्यू में जाना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 5.1, सिंपली आपको इसमें सेलेक्ट करना है एंड ओके पे क्लिक कर लेना है। प्रोसेसिंग में एंड दोस्तों ये थोड़ी देरी में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो चलिए इसे कंप्लीट होने देते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है एंड आपका जो इम्युलेटर है वो सक्सेसफुली यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इम्युलेटर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको सेटिंग दिखेगा, सेटिंग में आना है एंड वेल गाइस यहाँ पर अभी अपने कुछ चेंजेस करना है। सबसे पहले हम कस्टम में आते हैं एंड कस्टम में यहाँ पर आपको 2000 कर लेना है, 2000 MB कर लेना रैम में, और जितने कोर का प्रोसेसर है आप सिंपली वो सेलेक्ट कर ले। दो कोर है तो सिंपली यहाँ दो कोर कर ले और चार कोर का है तो सिंपली आप चार कोर यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। अगर आपके पास कुछ इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड है तो सिंपली आप यहाँ पर ओपन जीएल पे कर लें एंड जीपीयू मेमोरी ऑप्टिमाइज पे आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है एंड सिंपली हम यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं एंड रीस्टार्ट लेटर पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी हमें और भी सेटिंग्स को करना है। फिर से हम सेटिंग्स पे चलते हैं दोस्तों। तो सिंपली यहाँ भी छेड़छाड़ नहीं करना, अब हमें प्रोफाइल पे चलना है। प्रोफाइल सबसे मेन है, इसे आपको एकदम ध्यान से देखना है, क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है नेपाल, ठीक है। ओके, तो जैसे देख सकते हैं नेपाल लिखा हुआ है एंड यहाँ पर आपको टेलीकॉम में सर्च करना है स्मार्ट सेल, ठीक है। आपको यही सेलेक्ट करना है एंड सिंपली यहाँ पर ओके करना है एंड रिस्टार्ट नाउ में क्लिक कर लेना, और आपको कुछ भी सेटिंग्स नहीं करना है। क्या करना है, आपको उस फोल्डर पे जाना है जहां आपने वीपीएन को डाउनलोड करके रखा था और हमारे पबजी मोबाइल के एपीके को डाउनलोड करके रखा था। सबसे पहले हमें पबजी मोबाइल का एपीके को डाउनलोड कर इंस्टॉल करना है। सिंपली इंस्टॉल कैसे करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। चल गाइस, अब आपको क्या करना है, अब आपको वीपीएन को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ भी नहीं करना है।
तो यहाँ पर VPN भी आपका 5 से 6 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। आपको VPN को ओपन करना है, फ्री ट्रायल पे आपको क्लिक करना है एंड जो ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है उसे रहने देना, आपको इसे चेंज नहीं करना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आपको क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके, एंड सिंपली आपको फिर से ओके पे क्लिक करना है। तो थ्री डॉट पे जाना है, आपको यहाँ थ्री डॉट पे जाना है एंड मेनली आप किसी भी सर्वर पे यहाँ कनेक्ट हो सकते हो, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, बट यहाँ हाईली प्रेफर करूँगा कि आप सिंगापुर पे क्लिक करें एंड सिंपली ऑटोमेटिकली आपका जो है VPN वो कनेक्ट हो जाएगा सिंगापुर से। अब क्या करना है, सिंपली आप यहाँ से कट कर दें, ठीक है, VPN को यहाँ से आप कट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड में आपका रन करेगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, PUBG मोबाइल लाइट को ओपन करना है। होता है दोस्तों कि मीमू में ऑटोमेटिकली आपका पहले से की मैपिंग यहाँ पर मिलता है, आपको की मैपिंग करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ स्टार्ट द गेम पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। अगर आपसे रीस्टार्ट करने के लिए बोलता है तो सिंपली आपको यहाँ पर कैंसिल करना है, रीस्टार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर अपने को 149 MB का एक अपडेट आया है, तो आपको भी सिंपली इसी तरह से अपडेट आएगा, तो प्लीज़ अपडेट कर लेना। तो हमारा अपडेट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, सिंपली हमें ओके पे क्लिक करना है। अगर आपका गेम स्टार्ट नहीं होता या क्रैश हो जाता तो कोई भी टेंशन लेने का आपको जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ये PUBG मोबाइल लाइट वाले आइकन पे फिर से टैप करना है एंड आपका गेम है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा लॉगिन पेज आ चुका है, सिंपली मैं इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। ओके, तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हमारा जो फेसबुक से लॉगिन नहीं होता या हम गूगल प्ले गेम से लॉगिन नहीं कर पाते, तो हम क्या करें। तो सिंपली आपको पहले टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो भाई एंड मोर पे जाना है। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है तो सिंपली आप गेस्ट अकाउंट बनाए एंड देन उसके बाद अपने फेसबुक अकाउंट से लिंक कर ले, तो जो भी हो रहा है आपके सामने लाइव प्रोसीजर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो गेम है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है फाइनली एंड यहाँ पर आपको एशिया सेलेक्ट करना है, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड मेक श्योर कि यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को डाल लें। तो यहाँ मैं कुछ भी रैंडमली डाल देता हूँ, कोई भी एक रैंडमली डाल ले रहा हूँ, ठीक है, एंड यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ एंड नाम कुछ भी टाइप कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। बल्कि जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हमारा PUBG मोबाइल लाइट सक्सेसफुली यहां पर ओपन हो चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के। सो बस यही एक इकलौता ट्रिक है जिससे आप PUBG मोबाइल लाइट अपने PC या लैपटॉप पे खेल सकते हैं वो बिना परेशानी एंड बिना किसी एरर के। सो यहां पर मैं फटाफट से एक मैच लगा लेता हूं। तो कि ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, जरूर शेयर करो जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या वो PUBG मोबाइल लाइट अपने PC या लैपटॉप पे पा रहे हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपने हमें इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो भाई कर क्या रहो, नीचे लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय।